नमस्कार, आपका स्वागत है। आज जवान मर्दों के तनाव के कारणों में चौथा कारण बता रहा हूँ, वो है सूचना का अति भार। जवान लोगों की जो सूचनाएं मिलती है और उनका अति भार जो वो ढोते हैं, उनकी वजह से तनाव होता है और तनाव की वजह से वो अपने जीवन साथी के साथ अच्छी तरीके से महत्व नहीं कर पाता है और ये तनाव निरंतर रहता है। जिसके मूल कारण क्या है वो जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, ताकि भटके हुए नौजवानों को एक रास्ता मिल सके, अच्छी गाइडलाइन मिल सके। तब अब आते हैं मूल बात पर। विरोधी और परस्पर जो सूचनाएं मिलती है और उसके साथ में तीव्र गति से जो मिलती है, वो एक घर कर जाती है। सही क्या है, झूठ क्या है, वो आने में तो देर होती है, उससे पहले भ्रामक सूचनाएं मिल जाती है। और भ्रामक सूचनाएं मिलने से परस्पर एक विरोधाभास स्वयं के जीवन में आ जाता है। वैचारिक परस्पर विरोधाभास होने के साथ में वो सूचनाएं गलत और तीव्र मिल जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। क्योंकि अतिरिक्त भार ये ढो नहीं सकता दिमाग, दिमाग में तरह तरह की नाना प्रकार की बातें आती है, जिसमें सुनने में मिलता है कुछ व्यक्ति या दोस्त होते हैं जो सुहागरात संबंधित कुछ गलत या भ्रामक बातें बता देते हैं, तो वो अनाड़ियों के कहने से सीधे साधे भोले भाले लोग उन बातों में उलझ जाते हैं। पहले से डरे और सहमे तो होते ही है, वो भार तो अलग से होता है, पर इस प्रकार के लोगों की बातें सुनने के बाद दिमाग में एक अत्यधिक भार इस सूचनाओं का संग्रह हो जाता है, जिसकी वजह से तनाव रहता है। और उस तनाव को किसी को कहा जाए तो ऐसे छूटता नहीं है, उसके लिए एक अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे वैद्य की आवश्यकता होती है, ताकि उस तनाव को कम किया जा सके। अगर आपको कोई परेशानी है आप टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब मैं दूंगा। फ़ोन नंबर अंदर आ गए हैं, लोग फ़ोन बहुत आते हैं, मैं फ़ोन पे जवाब नहीं दे सकता, मेरे भी यहाँ व्यक्तिगत काफ़ी कारण है। और व्हाट्सएप पे अगर चाहेंगे तो नैदानिक चिकित्सा आपको दी जा सकती है। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए बेल आइकॉन घंटी को दबा दीजिए, अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। जय हिंद।